तो शिंदे जी, जो सुबह मैंने वीडियो डाला था ग्रुप अपने ग्रुप में यूट्यूब का, वो FR44 स्ट्रेटजी होती है, मतलब फिबोनाची जो हमारा रिट्रेसमेंट होता है, ये फिब रिट्रेसमेंट है। फिब रिट्रेसमेंट के नाम से वो एक टूल होता है, हर एक उसमें रहता है ब्रोकर के, उसमें आपका जो यूज करते हो ना उसमें भी जाके देखना, ये मिलेगा रिट्रेसमेंट। ये इसके बारे में पता है कि नहीं पता? हाँ वही है, वही चीज है। हाँ, तो ये उसमें एक्चुअली तीन स्ट्रेटजी है, वैसे तो दो, इसमें तीन स्ट्रेटजी है। मैंने आज चौथी, मतलब ऐसा कुछ दिमाग में आया तो करने का मन किया, वही बैक टेस्ट कर रहा था मैं। इसमें चार पार्ट बताता हूँ मैं, मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप चार तरह के ट्रेड ले सकते हो। पहला तो ये होता है जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, ठीक है। एक होता है डिफॉल्ट, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, देख लेना आप। और सेकेंड नंबर में आता है हमारा एक स्ट्रेटजी होती है जिसको हम बोलते हैं FR44। थर्ड नंबर पे आता है, एक होता है FR33, ठीक है। अब आज चौथा जो मेरे दिमाग में आया है उसको क्या नाम दूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मतलब क्या नाम दूँ। FR गांव वाला। FRG, चलो FRG कर देते हैं, चलो ठीक है, इसका नाम FRG हो गया, ठीक है। अब ये है सही बात है, एक मिनट बताता हूँ, थोड़ा सा मैं ये हेडफोन इसको डिसकनेक्ट कर दूँ। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ शिंदे जी, आवाज आ रही है? एक मिनट, हेडफोन भी कनेक्टेड है। हाँ शिंदे जी बोलिए, आ रहे आ रहे, ठीक है ठीक है। देखिए थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैं ये चारों का बता देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट के लिए क्या करते हैं, जैसे ये इसका नियम बता देता हूँ। जैसे निफ्टी है, यहाँ पे मैं तीनों चीज़ें लिख देता हूँ। निफ्टी का जो ट्रेड लेते हैं हम, अगर निफ्टी निफ्टी में इसको यूज कर रहे हैं, निफ्टी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, BK निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में हम कब अप्लाई करेंगे, जब 80 पॉइंट से लेके 85 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा। मूवमेंट इन द सेंस कि चाहे वो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा हो और चाहे नीचे से ऊपर जा रहा हो, मतलब हमें निफ्टी में मूवमेंट, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। उसके पहले हम जो है चार्ट को, चाहे वो निफ्टी में देख रहे हो, अगर निफ्टी के, जैसे निफ्टी का मैं बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल निफ्टी की बात करें, तो पहली कंडीशन में इसको डाल लीजिए कि ये चार्ट जो है हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में होना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट होना चाहिए हमारा निफ्टी का, ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखा है निफ्टी का चार्ट अपना। ये सेकेंड कंडीशन हो गई कि मूवमेंट जो होना चाहिए वो 80 to 85 पॉइंट की हो जाना चाहिए कंप्लीट। अब आप इस पे पूछोगे कि भैया 70 चलेगा क्या, तो 70 नहीं चलेगा, मतलब 80, मतलब 80 सीधी सी बात, जो हमारा रूल है, मतलब रूल है, उसमें ना एक पैसा कम ना एक पैसा
हाँ बिल्कुल, उसमें 80 न एक पैसा कम न एक पैसा ज़्यादा, मतलब 80% से ज़्यादा चल जाएगा, 80 से 85 भी चलेगा, लेकिन कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम पड़ेगा। मतलब ये जैसे 85 मैं बोल रहा हूँ, 80 to 85, अगर इसमें हमारा मान लीजिए ये 100 पॉइंट का हो जाए मूवमेंट, या कि 125 पॉइंट का हो जाए, तो और अच्छा। मतलब जितने पॉइंट ज़्यादा बढ़ेंगे मूवमेंट के, उतना ही अच्छा रहता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट देखना है। दूसरा कंडीशन हमारा हो गया 80 to 85% ये पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है हमारा ये एफ आर, मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट, है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब सेम टू सेम मैं बैंक निफ्टी में चलता हूँ, तो बैंक निफ्टी में हमारा फर्स्ट यहाँ पे भी वही रहेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट रहेगा, ठीक है। और सेकेंड हमारा कंडीशन रहेगा यहाँ पे बैंक बैंक निफ्टी में हमारा 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए, 200 से 250 पॉइंट का, ठीक है। तीसरे नंबर में जो कंडीशन क्रिएट होगी वो हमारा एफ आर, मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब आते हैं पहले नंबर पे, ये मैं चारों आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, 1 घंटा लग सकता है। आज मैं फ्री हूँ, अगर आप फ्री हो तो बताओ तो शुरू करूँ। अच्छा ठीक है, तो पहले नंबर पे मैं चलता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग रहती है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, ठीक है। लेंदी नहीं बनाऊँ, मेन मेन चीज़ बताऊँ, मतलब ये चारों तरीके से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, चारों तरीके से सेटअप बनता है। क्या बताऊँ, आप बताओ। चारों का तरीका था क्या? चारों में कंडीशन थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, ये चीज़ें सब सेम रहेंगी। ये जो तीन चीज़ें मैंने लिख दी ना, ये तीनों तीनों चीज़ें सेम रहेंगी, बस ये है कि सेटिंग चेंज हो जाएगी। बस सेटिंग यहाँ जब वो लगाएंगे ना, तो उसकी सेटिंग चेंज होगी, और सेटिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा बस। चलो डिफॉल्ट से शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते अपन। देखो डिफ़ॉल्ट में क्या करते हैं, जैसे ये अभी मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पकड़ना है। फर्स्ट स्टेप मतलब अगर दिन में, किसी भी दिन में जो हमारा पहला मूवमेंट होता है लंबा वाला, लंबा इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप कर्सर ले जाके रखते हो, तो ये हमारा 19,326 पे इसका हाई, ये 29 है, 30 मान लो, 30 का यहाँ पे, 29 का यहाँ पे क्या लगा है, हाई लगा है। अब यहाँ से हाई से लेके और यहाँ इसके लो तक अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको, यहाँ पे जाके हम पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लेते हैं। ये फिब रिट्रेसमेंट लिखा है ना, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, और इसके हाई पॉइंट से, जहाँ से ये गिरना चालू किया है, इसके हाई पॉइंट से इसके लो पॉइंट को मैच कर देंगे। अब हम काउंट करेंगे कि भैया हमारी पहली कंडीशन निफ्टी की क्या थी, कि 80% मतलब 80 पॉइंट की गिरावट होना चाहिए। तो यहाँ से 328 से लेके और 254 कितने पॉइंट हो रहे हैं, 40 और 40 20 60 68 और 6 और तो 70 पॉइंट ही हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा लागू नहीं होगा, हमने क्या बोला कि मिनिमम 80 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, 70 में काम नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि 70 में काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मतलब ये हमारा सेटअप फेल हो गया। अब इसको हम हटा देते हैं, वापस से जाते हैं। दूसरा मोमेंट हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम वही सेम सेटअप लगाते हैं। वहाँ पे हमने क्या लगाया था कि नीचे ऊपर से नीचे ड्रॉ किया था, यहाँ से हम नीचे से ऊपर ड्रॉ कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। यह हमने क्या करा, इसको नीचे से ऊपर ड्रॉ करा। अब हमने यहाँ पे पॉइंट हमें काउंट करना है, यहाँ पे 263 से लेकर 373 तक का मूवमेंट है, मतलब 110 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है, 110 पॉइंट का मूवमेंट है। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो रूल कहता है कि, जो बाय डिफ़ॉल्ट रूल होता है कि जीरो से अगर नीचे से चालू करते हो तो यही नीचे से चालू होता, लेकिन हमने इसको मोमेंट ऊपर साइड हो रही थी तो हमने इसको उल्टा लगा दिया। तो इसका फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि 23% पे हमारा होता है एसएल पॉइंट,
ये हमारा SL पॉइंट होता है, और ये 38 जो लिखा हुआ है ये हमारा होता है एंट्री पॉइंट, ये होता है हमारा एंट्री पॉइंट। ठीक, हाँ 38% पे जब भी कैंडल ब्रेक कर देना तो हमें ये एंट्री हमारी यहाँ पे बन जाती है। ये होता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग का निफ्टी में। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको और बैक टेस्ट कर लेते हैं, पीछे जाके देख लेते हैं कि और कहाँ पे ऐसा मूवमेंट बन रहा है, तो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे बन रहा है, देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे गिरावट हो रही है। यहाँ से हमने ड्रॉ करना चालू किया और इसके ये लोअर पॉइंट को हमने मैच कर दिया, ये लोअर पॉइंट। अब यहाँ पे काउंट कीजिए 387 से लेके 19,387 से लेकर यहाँ पे 259 तक की गिरावट है। कितने पॉइंट हुए, 60 और 814, मतलब 147 पॉइंट की गिरावट है यहाँ पे, 147 पॉइंट की गिरावट। हमारी कंडीशन क्या कहती है कि मिनिमम गिरावट कितना होना चाहिए, 80 पॉइंट होना चाहिए। 80 पॉइंट से ज़्यादा हो जाए तो हाँ 80 to 85, ज़्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसको और थोड़ा सा ऐसे खींच देते हैं, नहीं खींचते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हम देखते हैं कि हमने जैसे बताया आपको कि 23% पे हमारा SL पॉइंट रहता है, ये हमारा SL पॉइंट हो गया, और ये हमारा 38% पे हमारा क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, हमें तब तक एग्जिट नहीं करना है, जैसे कई बार आप देखोगे यहाँ पे गचर पिचर मचा हुआ है, मतलब वहीं वहीं घूम रहा मार्केट। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, इस कैंडल में एंट्री आपकी बन गई, आपने देखा कि 38% पे जाके ये ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, आपने इस कैंडल में ले लिया, आपको थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ा यहाँ पे, लगभग आप देखोगे तो लगभग 1-1.5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन इस इंतज़ार में सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ये कैंडल, कोई भी कैंडल अगर इस लेवल को 23% के लेवल को आके कट करती है, तो फिर हमें SL लेके चुपचाप बाहर निकल जाना है, वेट नहीं करना है। जब तक यहाँ पे ये नीचे नहीं निकलती है तब तक हम चुपचाप शांति से बैठे रहेंगे भले ही। और हाँ, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने के बाद PNL मत देखेगा, क्योंकि आप PNL देखोगे ना तो यहाँ पे आपका टाइम डिके लग के और ये आपका प्रीमियम कम होता जाएगा। हमें प्रीमियम से मतलब नहीं, हमें इंडेक्स के चार्ट से मतलब है कि कैंडल नीचे जाके क्लोज नहीं करे, इसको टच नहीं करे, बस हो गया। अगर टच करती है और तो फिर हमें निकल जाना है शांति से, चाहे लॉस कितना भी हो रहा हो, बस हमें कैंडल का ध्यान रखना है। तो ये हमारा SL पॉइंट हो गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एंट्री पॉइंट, अगर हमारी एंट्री यहाँ पे इस लेवल पे हो जाती है तो देखो आप इसका कितना 100% से भी ज़्यादा, मतलब आपका SL पॉइंट कितना था, आप देखो यहाँ पे 310 से लेके और यहाँ पे 291, तो हमारा SL पॉइंट हम कितने, लगभग 19 पॉइंट का हम SL ले रहे हैं, कितना 19 पॉइंट का SL ले रहे हैं। लेकिन हमें टारगेट कितना मिला, 310, अगर एग्जैक्टली 310 में एंट्री नहीं होती, मान लो 315 में होती है, 320 में हो जाती है आपकी एंट्री, तो 320 से भी अगर हम मान लेते हैं तो 320 से लेके ये कहाँ तक गया, इसके ऊपर ये यहाँ पे कितना आएगा पॉइंट, या देखो 460, मतलब 320 से 460, 120 पॉइंट का आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 120 पॉइंट का। SL आप कितना ले रहे हो, मात्र 19 पॉइंट का। चलो ठीक है, थोड़ा और नीचे SL लगा लेते हो तो भी आपको 20-25 पॉइंट का SL लेके आपको 120 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। और निफ्टी में एक्सपायरी के दिन अगर ये मिल जाए ना तो आप तो लखपति तो उसी दिन बन गए। ठीक है, ऐसे ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग का हो गया। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट सेम टू सेम हम जो बैंक निफ्टी में करेंगे, बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम रूल लगता है, बस डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेम वही रहती है, इसमें भी वही करेंगे। ये फिप रिट्रेसमेंट में जाके यहाँ पे फिप रिट्रेसमेंट जाके इसको यूँ कर देंगे, और इसमें भी सेम नियम ही लगेगा कि 38 पे हमारी एंट्री बनेगी और हमारा SL पॉइंट ये 23 रहेगा। ये होती है डिफ़ॉल्ट, लोग डिफ़ॉल्ट सेटिंग से भी ट्रेड लेते हैं। ठीक है, या हम इसको चाहें तो ऐसा करके भी देख सकते हैं। देखिए अगर हमारी एंट्री यहाँ पे इस लेवल पे होती है 38% पे, तो ये फर्स्ट टारगेट हमारा है 78, मतलब फर्स्ट तो यही हो गया 61, लेकिन हमारी ये फर्स्ट टारगेट हो गया है सेकेंड टारगेट, मतलब सेकेंड टारगेट तक ये हमको प्रॉफिट देके जा रहा है। तो ये हो गया बाय डिफ़ॉल्ट वाला। अब सेकेंड नंबर में मैंने वहाँ पे लिखा था कि सेकेंड नंबर में क्या लिखा था, FR44 है ना, तो FR44 के लिए हाँ FR44 लगता है, ये FR44 एक स्ट्रेटजी होती है,
FR44 ये हमारी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये सिर्फ किस में लगती है, नोट कीजिएगा, सिर्फ ये हमारी निफ्टी में लगती है। इसको बैंक निफ्टी में ट्राई मत कीजिएगा, बैंक निफ्टी के लिए दूसरी स्ट्रेटजी है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ निफ्टी में यूज होगी, कृपया करके इसको बैंक निफ्टी में यूज करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ FR44 की स्ट्रेटजी क्या है। FR44 के लिए जैसे मान लीजिए ये रिट्रेसमेंट मैंने लगाया है, ठीक है। इसी को कुछ नहीं करना है आपको, इस सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके इसकी सेटिंग चेंज करना है। ये 23 की जगह हम इसको 22 कर देंगे, और ये जो 38 लिखा है 38 की जगह हम इसको 44 कर देंगे, और ये 05 जो है उसको हटा देंगे, 61 को हटा देंगे, और ये 78 की जगह हम इसको 77 कर देंगे, 1 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये जो 1 के बाद 1.6 लिखा है उसको 122 कर देंगे, ठीक है। और इसको ओके कर देंगे, थोड़ी सी सेटिंग ये हो गई चेंज, ठीक। ये FR44 का बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल भी सेम ही है, मतलब हमारा 22% पे 22% पे हमारा SL पॉइंट रहता है, और 44% पे हमारा एंट्री पॉइंट रहता है, ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट रहता है। ये बीच में एक्चुअली मैं पहले इसी से ट्रेड लेता था, लेकिन अभी बीच में यूँ कहते ना हनुमान जी को, जैसे अपनी शक्तियाँ भूल गए थे हनुमान जी, फिर जामन जी ने याद दिलाया ना, वैसे एकदम से मेरे गुरुदेव ने याद दिलाया कि आप ऐसे भी ट्रेड ले सकते हो। तो वहाँ पे मुझे याद आया कि हाँ यार, इस पे तो मैं पहले ट्रेड लिया करता था, फिर बीच में अभी यूज करना बंद कर दिया। और इस बीच में आप देखोगे, पिछले 15 दिनों से मैंने बैक टेस्टिंग करी, पिछले 15 दिनों से ये इस तरह का सेटअप कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन बन ही जाता है निफ्टी में, आप देखना बैक टेस्टिंग करना, ठीक है। तो बस फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो गया, फर्स्ट टारगेट 77% का ये हो गया हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हो गया हमारा सेकेंड टारगेट, ये हो गया हमारा थर्ड टारगेट, और इसके ऊपर भी जाके ये क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, बस इसमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जब ये 22 पे आएगा ना, हमें तुरंत SL ले लेना है। अगर ये रिवर्स होता है, हमारा सेटअप फेल होता है, तो हमें SL तुरंत लेना है, उसमें सोच विचार नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है, और कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। अब चलिए तीसरी स्ट्रेटजी पे आते, क्या सेटिंग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसका जो बैक टेस्ट और एकाध और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे अगर लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे लगा देता हूँ, तो यहाँ पर भी ये आप अभी सही है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे मैंने लगा दिया, सेम सेटिंग लगी हुई है, ये 22% हो गया, ये 22%, ये 44, ये 77, और ये आप देखो ये हमारा फर्स्ट टारगेट क्या कहाँ तक का रहता है, ये 77 का, ये 77 में टच करके यहाँ पे रिवर्स हो गया, हमें मतलब फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। हमें मतलब एग्जिट का ध्यान रखना है कि जब कभी इस तरह का रिवर्सल आ जाए तो हम निकल जाएंगे, फिर वहाँ पे ये वेट नहीं करेंगे कि 22 तक आए तो फिर हम निकलेंगे। ये हमारा SL पॉइंट है, जब हमें ये फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया तो हम, अगर कोई यहाँ बेरिश कैंडल बन रही है ना, तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ये बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसको ड्रॉ करा, ये देखिए, ये आपकी 22 पे 22% पे यहाँ पे आपका क्या हो गया SL, यहाँ पे क्या हो गया एंट्री, ठीक है। ये हो गए हमारे एंट्री पॉइंट, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकेंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट, अब इसको ये फोर्थ टारगेट मान लो,
कितना, मतलब आप पॉइंट वाइज देखो यहाँ पे 490 SL पॉइंट है और यहाँ 490 से लेके 515, मतलब लगभग आपको यहाँ पे 25 पॉइंट का SL मिल रहा है। कितने पॉइंट का? 25 पॉइंट का। और आपको टारगेट कितना, मतलब आपका ये कहाँ तक गया? आपका ये गया आपका 640 तक। तो आपका 515 से 640 कितने पॉइंट होते हैं, मतलब 120 125 पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे 125 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 25 पॉइंट दे के 125 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, और क्या चाहिए? है ना बेहतरीन सेटअप, है ना बेहतरीन सेटअप। बस उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, पहली कंडीशन यही है कि ये इसकी गिरावट जो है 80-85 पॉइंट होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ये गिरा, और ये भी ध्यान रखना है आपको कि दिन में सिर्फ, मतलब फर्स्ट टाइम जब ये सेटअप बनेगा, जैसे 9 तारीख का यहाँ पे ये चार्ट ओपन होता है ना, ये जैसे ही मार्केट ओपन होता है यहीं से ये डाउन साइड गिरना चालू। एक मिनट, अभी आ रही बराबर आवाज? वो हो सकता है उसकी वजह से, वो हेडफोन लगाया था, अभी निकाल दिया, अभी सही है? ठीक है। देखिए मैं क्या बता रहा था कि आपको फर्स्ट कंडीशन ये देखना है कि सिर्फ ये जो है आपको 80 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए डाउन साइड, बस हो गया। आपको पहला मूवमेंट पकड़ना है, सेकेंड थर्ड मिल रहा है तो आपको वो नहीं पकड़ना है, फर्स्ट मूवमेंट पकड़ना है। फर्स्ट मोमेंट में ही पकड़ लेना इसको। ये आपको मैंने आपको फिबोनाची फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये 44 जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। आप और तीन चार एग्जांपल भी बता दिए, ये आप बैक टेस्ट करके देख लेना, इसके बाद ट्रेड लेना, ठीक है। अब आपको ले चलता हूँ मैं FR33 जो तीसरे नंबर पर मैंने लिखा था। FR33 ऐसा है कि FR33 के लिए एक स्ट्रेटजी है हमारा FR33, ठीक है। FR33 में हमें क्या करना रहता है, जो इसकी पहली कंडीशन होती है, पहली कंडीशन होती है कि ये जो है हमेशा 2 बजे के बाद, 2 PM के बाद हमें जो गिरावट होगी उसको नोट करना है, ठीक है, उसको नोट करना है। और वो गिरावट जो है, सेकेंड कंडीशन, गिरावट कितना होना चाहिए, 200 पॉइंट मिनिमम, 200 से 250 पॉइंट की गिरावट होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन 2 बजे के बाद, दूसरी कंडीशन 200 से 250 पॉइंट की गिरावट होना चाहिए, तीसरी कंडीशन टाइम फ्रेम 1 मिनट का होगा, 1 मिनट का होगा, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। चौथी कंडीशन ये सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करेगा, ओनली बैंक निफ्टी में, निफ्टी में ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है, ये सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करेगा। अब चलिए इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये कंडीशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले ही लेना हो तो। ठीक है, देखिए मैंने जैसे बोला कि ये गिरावट जो है 2 बजे के बाद हमें फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं 2 बजे के बाद कहाँ पे, या 2 बजे से चलेगा, करेक्ट 2 बजे से भी गिरावट होगी ना, चलेगा, बस वो गिरावट 2 बजे के बाद होना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, अभी काफ़ी दिनों से ऐसा सेटअप बना नहीं है। 2 बजे के बाद हमें ये 14 बजे का देखना, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। निफ्टी बैंक 2 बजे बता दे भैया, 2 बजे अभी क्या मार्केट ऐसा रहा है कि तो मतलब FR33 का काफ़ी दिनों से नहीं मिला है ट्रेड। हाँ, अब वो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, वो समय आने ही वाला है, हो सकता है नेक्स्ट वीक मिल जाए या उसके अगले वीक में मिलेगा ज़रूर। FR33 बहुत दिनों से नहीं मिला है, और कोई भी सेटअप है ना कंटिन्यू नहीं बनता है,
उसको बनने में मतलब वो पैटर्न चेंज होता रहता है ना, तो हमें 3-4 सेटअप जो मैं आपको बताऊंगा, अभी 2 सेटअप आपको बता चुका हूँ अगर आपको याद हो, एक वो इनसाइड कैंडल वाला बता दिया है, दूसरा आपको वो बताया था ये अपना क्या बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, तीसरा ये आज आपको बता दिया ये फिबोनाची वाला, अभी हाँ 3-4 सेटअप और बताऊंगा मैं आप लोगों को, ये कहीं मिल नहीं रहा है, बस वो ध्यान में रखिए, किसी एग्जांपल मिलेगा तो कल आपको बताऊंगा, मैं ढूंढ के रखूंगा कि FR33 कहाँ पे बन रहा है, उसकी कंडीशन पे यही है कि 2 बजे के बाद उसकी गिरावट होना चाहिए। चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मिल रहा है शायद, ये देखो मिल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, कौन सी डेट का है ये, 17 17 17, कौन सी डेट का है, 18 तारीख का है ना, इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कर लेते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लिया है इसको, और कब का है ये, 18 जुलाई, इसको 18 जुलाई कर देते हैं, देखिए शिंदे जी मैंने क्या बोला था कि उसकी गिरावट जो है ना कितना होना चाहिए, यहाँ से आप देखो, 200 से 250। हाँ 200 से मिनिमम 200 तो चाहिए ही चाहिए, 45,559 मतलब 60 काउंट कर लो इसको राउंड फिगर में, 60 560 से लेकर, और यहाँ पे गिर रहा है ये 308, कितने पॉइंट हुए, सीधे सीधे 250 पॉइंट हो रहा है ये, ठीक है, अब हाँ 250 पॉइंट हो रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, ये फिबनाची रिट्रेसमेंट में जाना है, इसकी जो गिरावट है 2:10 की कैंडल है, यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक, ये यहाँ पे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद इसी इसकी सेटिंग हम चेंज कर देंगे, सेटिंग चेंज करके इसकी हम कर देंगे यहाँ पे 33, और यहाँ पे 33 के बाद सीधे हम ले आएंगे, नहीं FR33 यहाँ पे, FR33 के बाद यहाँ पे ले आएंगे हम 77, नहीं 66, 33, 33 के बाद कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, ये वाला शायद इसको हटा देते हैं, इसको रखते हैं 0.33, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मुझे सेटिंग देखने दीजिए, मैंने नोट किया है इसका, काफ़ी दिनों से ट्रेड मिला नहीं, बोलेंगे कैसे पढ़ाते हैं, मतलब सेटिंग ही नहीं पता है और फिर पढ़ाने चल दिए, के लिए 2 महीना पीछे जाना पड़ेगा ना अपने को। हाँ, इसका सेटिंग देख लीजिए, अच्छा आप, मैंने इसमें पॉइंट भी थोड़ा सा गलत बता दिया, मैंने 150 से 120 से 150 पॉइंट का गिरावट होना चाहिए, मैंने पॉइंट थोड़ा गलत बता दिया, काफ़ी दिनों से ट्रेड मिला नहीं ना, 2 महीने पहले ये मिला था और उसी टाइम मैंने ट्रेड लिया था, नोट भी किया था इसको, तो पॉइंट जो है 120 होना चाहिए और 120 से 150 के बीच में होना चाहिए, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, और इसकी जो सेटिंग है वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, 0 तो रहेगा, 0 के बाद हमारा 33 रहेगा, 33 के बाद हमारा 33 के बाद 88 रहेगा, ये यहाँ पे 77 की जगह 88 रहेगा, 88 के बाद हमारा 133 रहेगा, 1 इसको हटा देंगे, यहाँ पे 133 हो जाएगा, सेटिंग ये हो जाएगी, तो इस पे क्या करना है कि
ये यहाँ पे एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं मिली। खैर यहीं पे देख लीजिए, हमारा ये जो 33 है ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है, 33 पे हमारी एंट्री पॉइंट होती है, ये हमारा एसएल पॉइंट होता है और ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है ये वाला। यहाँ पे समझ लीजिए, एग्जांपल कहीं और ढूंढता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट वो एग्जांपल मिला नहीं है। सेटिंग यही रहेगी, मतलब 33 88 और इसके ऊपर फिर जितना भी जाता जाए। तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्विक एंट्री होती है और क्विक एग्जिट होता है, यहाँ पे इफ एंड बट वाला कुछ वो नहीं रहता है। बस ये हमको एग्जांपल सही नहीं मिला है, ये थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मिलेगा, या कल मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजूंगा बैक टेस्ट करके। ठीक है, तो इसका चाहे एक मिनट भी करते उसको स्कैल्पिंग कहते क्या? वही समझ लो, स्कैल्पिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें यही होता है कि फास्ट मूवमेंट रहता है। एक मिनट के कैंडल में कितना मूवमेंट होता है, फास्ट एकदम। तो इसमें क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट वाला खेल रहता है, आपको 5 मिनट के अंदर घुसना भी है और 5 मिनट के अंदर निकल भी जाना है। अच्छा। इसमें वेट नहीं करता, मतलब ये अब चूंकि 2 बजे के बाद हो रहा है ना, कंडीशन क्या है हमारी, 2 बजे के बाद हो रहा है, तो 2 बजे के बाद आप जानते हो कि कितना फास्ट मूवमेंट होता है, और 2:20 वाला जो मूवमेंट होता है वो भी तो खतरनाक होता ही है। तो ये थोड़ा रिस्क, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो इसको मैं नहीं करता हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग में नहीं था, वो सेटिंग में भूल गई थी। हाँ, ये जो 44 है ना, ये मैं जम गया मुझे, मतलब ये 44 वाला करना मुझे अच्छा लगता है, और ये अच्छा सेटअप भी है ये 44 वाला जो आपको बताया। एक और जो, हाँ इसमें टेंशन नहीं है, और जो मेरे दिमाग में आया है वो आप देखो, जो हमने FRG बोला है, आपने जो नाम दिया है FRG, देख लो आप मेरे माइंड की उपज देखना, आप क्या मालूम सही है कि गलत है। मेरे दिमाग में आई, मैं उसकी बैक टेस्टिंग ही कर रहा था, आगे मैं अभी ट्रेड लूँगा नहीं, उसको खाली ऑब्जर्व करूँगा, देखूँगा कि क्या सच में ऐसा होता है। एग्जांपल भी मुझे अभी नहीं मिला है, बस दिमाग में आया तो मुझे लगा बता दूँ आपको। देखो, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट वाला यूज कर लेना, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो हमने इसको ये लगा लिया सेटिंग, ये डिफ़ॉल्ट वो उठा रहा है, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, रुको इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तब शायद आ जाए। टाइम फ्रेम कितना मिनट का? 5 मिनट, टाइम फ्रेम 5 मिनट, यहाँ पे लगा 33, हाँ यहाँ पे लगा भी रखा है। देखो आप क्या किया मैंने, जैसे लोअर पॉइंट है ना, तो चाहे नीचे से ऊपर खींचो चाहे ऊपर से नीचे खींचो, एक ही बात है, जैसे ये ऊपर जा रहा मार्केट, अब मैंने इसको खींच दिया यहाँ पे, ठीक है। अरे यार ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ले रहा है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं चाहिए, रुको ये सब हटा देता हूँ। और इसको जो है ना, अभी निफ्टी में मत कीजिएगा, बैंक निफ्टी में करना है अपने को, ये FRG को बैंक निफ्टी में करना है, अभी आप मत करना, मुझे पहले टेस्टिंग करने देना, जब मैं हरी झंडी दिखाऊंगा तब करना, अभी मेरे को बैक टेस्ट करने दो पहले, और फ्रंट टेस्ट मेरा जब सक्सेस हो जाएगा ना, तब मैं आपको हरी झंडी दिखाऊंगा कि हाँ आप ये कर लेना। देखो इसकी ये गिरावट है, ये गिरावट नहीं, आप बता रहे हैं आप चेक करूंगा ना। हाँ चेक करूँगा ना, ये देखो ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद मैं इसको चाहूँ तो थोड़ा सा और ऐसे फैला लेता हूँ, अब हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला सेटिंग आ गया इसमें, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ गया। तो हमारा रूल क्या कहता है कि 23% जो है, ये 23% का जो है ये हमारा क्या हो गया, SL पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हमारा 38% जो है ये हमारा क्या हो गया, एंट्री पॉइंट, ये हमारा क्या हुआ, एंट्री पॉइंट। रूल यही कहता है ना, डिफ़ॉल्ट वाला हमें सेटिंग डिफ़ॉल्ट ही रखना है। अब ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्या करना है कि अगर देखो क्या होता है, मार्केट पहला जब कभी इस तरह का रिट्रेसमेंट लेता है ना, तो रिट्रेसमेंट जब लेता है तो ये या तो ये 33% से ही लौट जाएगा, या कि फिर ये अपने 50% के लेवल से लौटेगा, जैसे फिर यहाँ के थोड़ा सा ऊपर आके और ये लौटा यहाँ पे, तो लौट जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया हो, जैसे यहाँ पे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने लगा रखा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर
ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, मतलब ज़्यादा टाइम यहाँ पे आप देखोगे 2-2.5 घंटे हो रहे हैं, यहाँ से ले तक यहाँ तक आने में वो 2 से 2.5 घंटे का टाइम ले रहा है। 5 मिनट की कैंडल्स ये बनी हुई सारी, तो 2 से 2.5 घंटे ले रहा है। अगर कम समय में जैसे यहाँ पे ये पलट गया था यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे पलटा, यहाँ पे ये 38% पे पलटा, देखो ये 38% पे रिवर्सल आया, ये कैंडल यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे टाइम पास किया, क्या किया यहाँ पे टाइम पास किया। अब टाइम पास करने के बाद अगर ये नीचे नहीं आता, अगर ये नीचे नहीं आता, इस लेवल को क्रॉस कर देता है, इस लेवल को जीरो के लेवल को क्रॉस कर देता है, तो हम यहाँ पे उल्टा क्या कर देंगे, ये हमारा जो 23 का है ना, ये हम SL पॉइंट इसी को रख के 23% को SL पॉइंट रख के ऊपर साइड का कॉल साइड का बाय कर देंगे, फिर ऊपर जाता रहे जितना दूर जाता है, जा रहा तो जाता रहे। फर्स्ट टारगेट हम इसके अकॉर्डिंग रख लेंगे, जैसे कितने पॉइंट हो रहे हैं 948 से लेके यहाँ पे कितने पॉइंट है 887 कुछ लिखा हुआ है, रुको इसको मैं और वो करता हूँ, दिख नहीं रहा, 43,887 कुछ 87 कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो लगभग लगभग यहाँ पे 50-60 पॉइंट का SL है ना, 50-60 पॉइंट का मान लीजिए, फॉर एग्जांपल 60 पॉइंट का SL है, या 50 पॉइंट का हम ले लेते हैं, 50 पॉइंट का अगर हम यहाँ पे SL रख रहे हैं 50 पॉइंट का, तो हम टारगेट इसका डबल रख लेंगे, डबल नहीं रखें तो कम से कम 80% 1.5 का हम वो रखेंगे, 1:1.5 का टारगेट वो रखेंगे, मतलब अगर 50 पॉइंट का हम SL रख रहे हैं तो हम 80 पॉइंट का हम अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट हमारा 100% हो जाएगा 100 पॉइंट का, फिर थर्ड टारगेट अगर और ऊपर जाता है तो 120 पॉइंट का ये हमारा थर्ड टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अभी और दूसरी जगह ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वो पता नहीं शाम को ऐसे ही बैठा हुआ था दिमाग में ये आया, तो मुझे लगा यार ऐसे हो सकता है, ऐसे ड्रॉ करके देखता हूँ मैं इसमें क्या ये बिल्कुल हो सकता है। देखो हमारा जो टारगेट, और ये भी बता दूं कि दिमाग में आया क्यों, अभी बताता हूँ क्यों आया। हमारा जो पहला जो कंडीशन है ना, इसमें भी वही कंडीशन रहेगी कि हमें बैंक निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा के रखना है। दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि गिरावट या अपसाइड का मूवमेंट 200 से 250 पॉइंट का होना चाहिए। इस पॉइंट पर आप लगा के देखो रिट्रेसमेंट, ये मैंने यहाँ पर लगाया, इसको ये खींच दिया, आप देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो बन रहे हैं यहाँ पे 836 से लेके यहाँ पे 44-64 तक, मतलब दो सवा दो ढाई सौ पॉइंट के बीच में यहाँ पे गिर वो अपसाइड मूवमेंट किया मार्केट ने, ठीक है। अब हमारा ट्रेड पहला यहाँ पे दोनों साइड हमें ट्रेड मिल रहा है ना, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका पता क्या हो रहा है सिंधिया जी, दोनों साइड का हो रहा है। दोनों साइड कैसे हो रहा है भैया, दोनों साइड कैसे हो रहा है, एक तो अगर नीचे इसके नीचे आता है, जैसे इसके यहाँ से इसने रिवर्सल लिया, अब यहाँ से रिवर्सल लेने के बाद ये 38% पे आया, तो हमारी यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री बन गई, ठीक है, ये हमारी डाउन साइड की एंट्री बन गई, ये हमारा क्या हो गया SL पॉइंट, राइट। अब मान लीजिए ये यहीं से 38% पे यहीं से रिवर्सल ले लेता है, ये यहीं से रिवर्सल ले लेता और रिवर्सल लेके इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दे, 5 मिनट 10 मिनट भी यहाँ पे 2-3 कैंडल 5 मिनट की बन जाए, ये 2 कैंडल बन गई, 2 कैंडल में भी अपना काम हो जाएगा। अब अगर यहाँ से लौट के गया, 2 कैंडल यहाँ पे बने, तो हम यहाँ पे झट से कॉल साइड का ले लेंगे और हमारा SL पॉइंट क्या रखेंगे, ये 23 वाला SL पॉइंट सेम रहेगा, SL पॉइंट हम 23 वाला वो लगा के और ऊपर साइड का कॉल बाय कर लेंगे, बस सिंपल सा फंडा है। ये सही लग रहा है मेरे को, गांव वाला है ना अपना। मजा आ गया, ये दोनों तरफ का मुंह दे रहे हैं ना। हाँ अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे दिमाग में आया क्यों। देखो अभी कुछ दिन पीछे चलते हैं हम, सेम टू सेम डाउन साइड पे भी काम करेगा, ठीक है। सेम टू सेम डाउन साइड पे चलेगा, अभी बताता हूँ, बस ये ध्यान रखना कि मार्केट साइडवेज नहीं होना चाहिए, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा। नहीं, साइडवेज मार्केट में तो कोई भी काम नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, साइडवेज वही बताना चाह रहा हूँ कि साइडवेज मार्केट में कोई भी सेटअप काम नहीं करता है।
क्या हो गया? यहाँ पे लगा के देखें कितने पॉइंट हो रहे हैं। ये हो गया 402 से लेके यहाँ पे 989 नहीं हो रहा है, 110 पॉइंट हो रहा है। हाँ नहीं नहीं कितने 398। हाँ हो रहा है, हो रहा है। देखिए ये पॉइंट लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ किया, ठीक। अब ड्रॉ किया तो कितने पॉइंट हो रहे हैं, 398 से लेके मतलब 985 से 300-400 पॉइंट का मूवमेंट है ये, 400-500 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है। देखो 415 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो अब जैसे हमने इसको ड्रॉ कर लिया, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया ये 400 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, मार्केट ऊपर साइड जाएगा, तो हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब हम तके बैठे हैं कि ये 38% पे यहाँ पे आए इस लेवल पे, और यहाँ पे हमारी अपर साइड की एंट्री हो जाए, ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, ये हमारा SL पॉइंट हो गया 23% का। अब मार्केट ने क्या करा कि ये 38% को लगा दो यार मैडम, ये हमारा 38% पे क्या हमारा एंट्री पॉइंट हमने बना रखा, लेकिन मार्केट यहाँ तक गया ही नहीं, इसके पहले इसने रिवर्सल ले लिया। तो अब हमें ये एक प्रकार से कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट ऊपर साइड जाने वाला भी नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोला था कि हमारे जो बाइंग पॉइंट बनेगा ये अब अगर नीचे जाता है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया एंट्री पॉइंट हो गया। SL पॉइंट हमारा सेम रहेगा। दूसरी कंडीशन हमने क्या बोला था कि यहाँ पे आके अगर ये ऊपर जा रहा होता, ऊपर साइड का सेटअप वही है सिंधे जी, बस अब हम डाउन साइड पे ले रहे हैं ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, दो या तीन कैंडल यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास कर लेना चाहिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 2-3 कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। तो एक कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल बन गई, तीसरी कैंडल बन गई, चौथी कैंडल में इसने ब्रेक किया, है ना। चौथी कैंडल में जैसे ब्रेक किया तो हमने यहाँ पे इसी कैंडल में अगर ट्रेड मार दिया तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट मिला अगर हमें, तो ये छोटा मूवमेंट नहीं है। आप यहाँ पे ये लेवल देखो 985 से 44,985 से लेकर यहाँ पे ये आया 721, मतलब आपको 80 हो गए, हैं 80 हो गए और 100, मतलब 225-200 पॉइंट मिल रहे हैं, और 225-200 पॉइंट में आपको आपने अगर 150 पॉइंट भी निकाल लिए तो भी आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। सही बात, सेटअप काम कर रहा है ना। चलो एक आधा और एग्जांपल ढूंढते हैं अपन, बस ये ऐसे ही तो सीखते हैं। अब अपने दिमाग में यह आया, हो सकता है किसी और के दिमाग में भी ऐसा आया हो, किसी और ने भी किया हो। बाकी मैं आपको बता दूं, मुझे अभी तक मतलब जहाँ से भी मैंने सीखा है ना, ये सेटअप मुझे अभी कहीं मिला नहीं है। मतलब ऑटोमेटिकली आज शाम को मैं ऐसे चार्ट देख रहा था तो पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया, मैंने कहा यार ऐसा हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने इसका हाई पॉइंट, अरे आजा भाई, ये हाई पॉइंट यहाँ से मैं इसको मार्क करता हूँ। मुझे क्या मतलब है, किससे मतलब है सिंधे जी, 200 से 250 पॉइंट से, है ना। 200 से 250 पॉइंट ये अगर यहाँ से हम लेते हैं तो 286 से लेके और यहाँ पे 382 725 हो रहा है, कितने पॉइंट हो रहा है, नहीं अंडा एक मिनट, यहाँ पे ये है 46,286, तो 286 तो नहीं यही हो गए, तो 46,000 पे हमारा यहीं पे हो जाता है 200 पॉइंट, यहीं पे हो जाता है। तो अगर हम इसको खींच के और यहाँ रख देते हैं, अगर यहाँ भी रखते हैं तो भी हमारा काम यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्टली हो जाता है। पर फिर हमारी एक दूसरी जो कंडीशन है टाइम पास वाली, हम इसको यहाँ खींच लेते हैं, देखिए। तो अगर हमने इसको यहाँ तक भी खींच लिया तो हमारी ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और ये नीचे बहुत ज़्यादा मूव दिया है। तो ऐसे हमें सिंधे जी, अब आपका ये होमवर्क है,
आप ऐसे एग्जांपल ढूंढ के मुझे पिक भेजिएगा डेट के साथ में, अगर समय मिले तो टेस्ट कीजिएगा ज़रूर। बैक टेस्ट करने पे बहुत तो सीखने को मिलता है। ऐसे हम एग्जांपल ढूंढेंगे और ये अप्लाई कर करके देखेंगे, ताकि हमारा ये जो सेटअप FRG बना है, FRG हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग वो वाला बन जाए। अब यहीं पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे देखो मार्केट, यहाँ पे किरा मुझे मतलब है किससे, 200 से 250 पॉइंट का। यहाँ पे आप देखो 156 से 46, 156 से 867, मतलब ये आपका 200-250 पॉइंट ये हो गया, 200 पॉइंट हो गया। अब 200 पॉइंट पे अगर हमने इसको लगा लिया, ये हमने इसको यहाँ पे लगा लिया, लगाने के बाद हमने देखा कि ये 38% पे वापस नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ तक जाता है तो फिर ट्रेड ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर ऊपर साइड का एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये 38% पे कहीं पे जा ही नहीं रहा है, नीचे साइड ही जा रहा है, तो हम यहाँ पे इसका SL लेके 23% का SL लेके सीधे ट्रेड मार देंगे। तो ये छोटा मूवमेंट नहीं है, 858 से लेके यहाँ पे 759, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट है। और 100 पॉइंट में आकर आपने ट्रेड एग्जैक्ट जगह ले लिया है तो भी आपको प्रीमियम में लगभग 70-80 पॉइंट, आपको 70-80 रुपये का प्रॉफिट होगा। हाँ तो देखिएगा, आप बैक टेस्ट कीजिएगा, FRG बहुत अच्छा नाम दे दिया आपने, और मैं भी इसकी और टेस्टिंग करूँगा, मैं फ्रंट टेस्ट करूँगा। मैं जब भी ऐसा होगा ना तो मैं अब आगे नज़र रखूँगा कि ये बनता है कि नहीं बनता है। हाँ ये बात है कि कोई भी जो सेटअप होता है ना वो रोज़ रोज़ नहीं बनता है, और एक बार बनने के बाद वो लगभग 10 दिन 15 दिन, कई बार महीने भर का भी टाइम ले लेता है, महीने भर बाद वो सेटअप बनता है। कोई भी सेटअप होता है, कोई भी सेटअप मतलब कंटिन्यूसली नहीं बनता है, वो पैटर्न चेंज होता रहता है। और वही पैटर्न, वही सारी चीज़ें हमें दिमाग में रख के और उन सारे सेटअप्स को ढूंढना रहता है, तो हमारा ट्रेड सही जगह एग्जीक्यूट होता है। तो कैसा लगा मेरा ये मतलब FRG? एक नंबर, वाकई दम है कि नहीं है? मतलब ऐसे मत बोलिए आपकी वो नहीं है, मतलब नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, जो देखा है अभी अभी एक समझो अपन एक घंटे से इस बात पे, यही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो इससे हमें सब अच्छा लग रहा है, वो तो अच्छा बोलना पड़ेगा ना। तो फिर चलो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसकी फिबोनाची की ज्यादा, लेकिन मैंने अभी अपने 2-4 क्लास पीछे वो देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा है। ठीक है, फिर एक बार सुबह वाला वीडियो भी देख लीजिएगा जो मैंने सुबह अपलोड किया था यूट्यूब में, उसका लिंक भेजा था ग्रुप में, उसको भी देख लीजिए। हालांकि वो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी है, लेकिन सुबह वाले में थोड़ा सा वो 15 मिनट में एकदम रिदम में बताया मैंने उसको। ओके, और एक बार देखता हूँ अभी थोड़ी देर में बाद देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वीडियो जो मैंने अभी इसका रिकॉर्ड कर लिया, इसको अपलोड करूँ कि नहीं करूँ यूट्यूब में?